मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और क्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आपका जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं आप, यानी जो भी वेदों से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमारे जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं, लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं, जैसे आपने अभी व्याख्या किया था नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है, तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है जो भगवद गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल कहा आपने, इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवद गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है, तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है, लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवद गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिल के सबको पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता, लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ, और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवद गीता नहीं है, वेद है। भगवद गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आप कोई इस्कॉन से हैं? इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन। ठीक है, तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी, उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जो बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते हैं, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवद गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहीं का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवद गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद, उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक, बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिबे इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद, स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या, इतिहास है। तो मैंने उससे पूछा, गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवद गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते हैं। मैंने बेशक, तो जब भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ गया, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ, आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवद गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवद गीता वेद का निचोड़ है, निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवद गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए?
स्कॉलर्स कहते हैं, आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीज़ें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ तकाबले मज़ाहब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो मैं कहूँगा अगर वेद और भगवद गीता में टकराव है किसकी बात मानेंगे? तो बोले आम तौर पे तो हम कहते हैं भगवद गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपका दिल में, तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों, जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या, 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकेंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ गुरु जी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद, लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है, क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेदव्यास शूद्र नहीं पढ़ सकता है, क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यह देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है।